आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। कल यानी कि 16 जून 2021 को भारत सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन अप्रूव कर दिया गया है। अगर इसको ध्यान से समझें तो ये काफी बड़ा रिफॉर्म है और माना जा रहा है कि इस चेंज के बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो अपने खराब क्वालिटी कंट्रोल के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होगी। इसके अलावा इस चीज की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस मूव के बाद में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी। इस मूव के इम्पैक्ट के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इस चेंज के बाद में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कैसे ऑर्गेनाइज होंगी। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इन ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत 1712 में हुई थी, यानी कि लगभग 309 साल पहले। ये जो पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी वो कोलकाता के पास इच्छापुर में एस्टैब्लिश की गई थी और ये कंपनी एक डच कंपनी थी। लेकिन फॉर्मली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 1979 में बनी थी। इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी और ये नाम इस कंपनी को 1954 में मिला था, क्योंकि जब तक अंग्रेज भारत में थे तब तक इन ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज को इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विसेज कहा जाता था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर आज की तारीख में 41 यानी कि 41 फैक्ट्रीज हैं और ये 41 फैक्ट्रीज 5 ऑपरेटिंग डिवीजन के अंदर डिवाइड की जाती हैं। और इसी वजह से शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को कॉर्पोरेट किया जाएगा तो इनको 5 डिवीजन में बांट दिया जाएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 यानी कि 7 इंडिपेंडेंट कंपनीज के अंदर डिवाइड किया है। जहां पहले ये डिविजन्स थे एमिनेशंस एंड एक्सप्लोसिव, वेपन व्हीकल एंड इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, आर्मर व्हीकल और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज, लेकिन अब ये 41 यूनिट्स 7 अलग अलग कंपनीज के अंडर आएंगी और ये कंपनीज होंगी एमओ एंड एक्सप्लोसिव, व्हीकल्स, वेपन एंड इक्विपमेंट, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स, एंसिलरी ग्रुप, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और पैराशूट ग्रुप। इस अप्रोच के कारण जो स्पेशलाइजेशन है उसमें बढ़ोतरी आएगी। माना जा रहा है कि कॉर्पोरेट होने के बाद में ये कंपनीज मिलकर साल 2024-25 में 30,000 करोड़ का टर्नओवर रखेंगी। इनके एक्सपोर्ट में 25% यानी कि 25% की बढ़ोतरी होगी और जो सेल्फ रिलायंस है यानी कि आत्मनिर्भरता, जो अभी 20-25% है, वो आने वाले समय में बढ़कर 75% यानी कि 75% तक पहुंच जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इंडियन आर्मी 163 टाइप के एमिनेशंस का प्रयोग करती है। इनमें से लगभग 90 टाइप के एमिनेशन केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाती है, लेकिन इन एमिनेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर हफ्ते ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के किसी न किसी एमिनेशन के साथ में कोई ना कोई क्वालिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होता ही है। ये प्रपोजल निर्मला सीतारमन जी की तरफ से लाया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से स्ट्राइक का ऐलान किया गया था। इनफैक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इस डिसीजन के खिलाफ स्ट्राइक पर जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ऑफिशियल्स थे और इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो एम्प्लॉय यूनियंस थी उनके साथ बातचीत की और उनको ये भरोसा दिलाया कि उनकी सर्विस टर्म्स बिल्कुल उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से उनको प्रॉमिस किया गया था उनको हायर करने से पहले। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तीनों कैटेगरी यानी कि ए, बी और सी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ की कॉन्ट्रैक्ट टर्म में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 70,000 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन जो असली चेंज आएगा वो यहाँ से हायर होने वाले वर्कफोर्स के साथ में आएगा। और इसी के साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आने वाले समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड नहीं रहेगा और ये 41 यानी कि 41 फैक्ट्रीज 7 अलग अलग DPSU बन जाएंगे और ये DPSU कंपनीज ज़्यादा ऑटोनोमस होंगे, यानी कि इनके डिसीजंस ये खुद ले पाएंगे और इसी वजह से इनमें और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इन कंपनीज के द्वारा बनाए जाने वाले इक्विपमेंट की क्वालिटी के ऊपर आएगा। साथ ही इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो भारतीय सेना को होगा। इस समय भारतीय सेनाएं बाध्य हैं कि उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से एक लिमिटेड अमाउंट में इक्विपमेंट खरीदना ही पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो इक्विपमेंट बनाया जाता है वो सबस्टैंडर्ड तो होता ही है, लेकिन मार्केट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ऐसे में अब जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड
आने वाले समय में कॉर्पोरेट हो जाएगी तो इस चीज के चांसेस हैं कि आने वाले समय में भारतीय सेना को जो इक्विपमेंट मिलेगा उसकी क्वालिटी तो बेहतर होगी ही, लेकिन उसकी कीमत भी कंपैरेटिवली कम होगी। ओवरऑल ये भारतीय सेना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत सरकार के लिए एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन अभी जर्नी पूरी नहीं हुई है और इस वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सातों के सातों कॉर्पोरेशन किस तरीके से बनकर निकल कर आते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।